वेलकम टू पहल क्लासेज। आज डे 18 में हम दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए कोशिश करते हैं हम इसे समझने का, देखने का। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट, गिव वन एग्जांपल। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गिव फोर पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेनली डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड आते हैं, और हमारा एक तीसरा सब्सटेंस होता है फेरोमैग्नेटिक, उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम इनको, सॉल्यूशन को। देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या है, सच मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील, हार्ड आयरन और एलनीको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इनके तीनों के मिक्सचर से जो बनते हैं उनको हम एलनीको बोलते हैं, और टंगस्टन, ये सब्सटेंसेज जो इनको बनाने में यूज होते हैं, मेनली स्टील हमारा इनको बनाने में यूज होता है। मेजर सब्सटेंस जो है इनको बनाने में यूज होने वाला वो हमारे पास में स्टील है। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं हम स्टील का। इसके अलावा टंगस्टन है, देयर मैग्नेटाइजेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली एंड रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट के लिए, इनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो लंबे टाइम तक बना रहता है, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है इनका मैग्नेटाइजेशन। एग्जाम्पल क्या होता है, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट्स होती है वो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होती है। आपने देखा भी होगा लाउड स्पीकर जो रहता है उसमें हमारे पास जो मैग्नेट देखने को मिलती है हमें, वो हमारे पास में जिस तरह की मैग्नेट से होती है, हमारे पास में वो आपने गोल मैग्नेट देखा होगा, वो एक तरह का हमारा परमानेंट मैग्नेट रहता है। इसी तरह हमारे पास में और भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर की तरह, वही हमने हिंदी में प्रोवाइड किया है। ऐसे चुंबक स्टील या कठोर लोहे अथवा एलनिको एवं टंगस्टन से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ का चुंबक तो लंबे समय तक विद्यमान रहता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गिव फोर पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बीच में फर्क करने के लिए चार पॉइंट्स देने हैं। आइए पहले तो देखते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या, को शुरू करते हैं यहाँ से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारे सब्सटेंसेज विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ पे इस पॉइंट पे गौर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सब्सटेंसेज विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसे बोलते हैं, हम जिस आउटर फील्ड में मैग्नेट बनाने के लिए रखते हैं किसी सब्सटेंस को, उस सबको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे आउटर सब्सटेंस जो हमने पुट किया है उससे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, और उसमें यदि मैग्नेटाइजिंग जो उसमें डेवलप हो रहा है सब्सटेंस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अदर प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास कॉपर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, AgAu, ये सब किस तरह के हमारे पास में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, सब्सटेंसेज विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इनमें क्या होता है, मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करते हो, डायरेक्शन जिनकी मैग्नेटाइजेशन की किधर होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ में होती है, इन द डायरेक्शन, ये ध्यान रखेंगे डायमैग्नेटिक अपोजिट होता है, और ये कहा है मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बस ये दो पॉइंट हमारे मेन ध्यान रखने के हैं। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो होता है फेरोमैग्नेटिक, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन अपीयर होता है उनमें। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा, इनके एग्जाम्पल हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज के। आइए डिफरेंस देखना शुरू करते हैं, इनमें काफी डिफरेंसेज हो सकते हैं, इनमें हम मेनली चार पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा है मैग्नेटिक मोमेंट इनमें कैसा होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत ही कम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एच। एच क्या होता है, हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड में आउटर फील्ड में हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, जिसे हम एच बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, लेस बट इन डायरेक्शन ऑफ एच, एच की डायरेक्शन में होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक में हाई होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एच। यहाँ मैंने तीनों सब्सटेंसेज के डिफरेंस अपने को दे दिए हैं ताकि हम तीनों के बारे में यहाँ ध्यान में रखेंगे इनको। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो रहती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसको हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, तो जैसा डाइपोल का रिलेशन है उसी तरह का ऐसा इसका हो जाएगा। डायमैग्नेटिक में लेस होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू एच, पैरामैग्नेटिक में भी लेस, डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ एच, और
फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, हाई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को आई से डिनोट किया हुआ है हमने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने एच से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे बस ध्यान रखने के पॉइंट्स है कुछ हमारे पास में जो ध्यान में रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, हम अदर पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। When rod of material is suspended in magnetic field, तीसरा पॉइंट जिस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं कि कोई रोड है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, रोड बिकम्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये क्या होगा, रिपल्शन होता है हल्का फील्ड, तो परपेंडिकुलर चली जाती है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, इन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड रोड गेट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान देने का है कि फील्ड जो है वो मेरा हाई होना चाहिए काफी, तब ऐसा होगा। फेरोमैग्नेटिक में लेस में भी ऐसा काम हो जाएगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। इसी तरह हमारा बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायमैग्नेटिक का कैसा बिहेवियर होता है। देखिए लाइंस जो है डायमैग्नेटिक हल्का रिपल्शन करते हैं, तो लाइंस इसके पास आते आते दूर होना शुरू हो जाएगी मैग्नेटिक मटेरियल के पास आने पे। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, लाइंस को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा ये और इस तरह से जाएगी, और हम देखते हैं जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस और सेंट्रिक हो जाती है। इसी तरह से लाइंस रहती है, बस इनसाइड बहुत सारी लाइंस बन जाती है। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की खास बात यह होती है, ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड हो सारे को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लेगा अपना, इस तरह की इसकी खासियत होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वही इसी तरह का एग्जाम्पल हमारा अगेन प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं हम हिंदी में इन्हें, उसको देख सकते हैं हम जो कि प्रतिकर्षित होते हैं। इसी तरह अनुचुंबकीय जो अट्रैक्टेड होते हैं थोड़ा सा, और लोह चुंबकीय क्या होंगे, जो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। अगेन सिमिलर डिफरेंस हमारे यहाँ पे है, देख सकते हैं हम। तीसरा यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं चुंबकों के ध्रुव के मध्य लटकाने पे हमारा तीनों तरह का डिफरेंस है यहाँ पे। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देखिए बाहर की तरफ लाइंस है, बीच से लाइंस है, और लोह चुंबकीय के लिए बहुत घनी हो जाएगी लाइंस और के सेंटर से जाएगी। यदि इनमें हमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।